ये देखिए मछली ने जंप मारा ये, और एक बोट खुल गई है किसी, ये देखिए मछली ये जंप मारा। ये बच्चे देखिए बारिश में एंजॉय करते हुए फिर। तो कुछ इस तरह से, तो भाई लोगों हमारा थप्पा बन के रेडी हो। दोस्तों तेज बारिश होने लगी है, हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू चैनल। होप करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। और आज वेडनेसडे 31 जुलाई का दिन है और आज के लिए वेदर डिपार्टमेंट ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है बारिश का। तो कुछ इस तरह का वेदर है अभी, क्लाउड्स ही क्लाउड्स हैं देखिए, और बारिश भी हो सकती है दिन में क्योंकि ऑरेंज अलर्ट है, तो उम्मीद है कि थोड़ी बहुत बारिश तो होगी। और स्कूलों की छुट्टी है आज, जो है जिलाधिकारी महोदय ने पूरे जनपद में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। और चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग और दिखाते हैं नीचे टाउन में चल के आपको कि किस तरह का आज दिन भर वेदर कंडीशन रहता है और किस तरह की एक्टिविटीज़ रहती है। टूरिज़्म तो उतना ज़्यादा है नहीं क्योंकि बारिश का मौसम है और ऑफ सीज़न है, तो चलिए जैसा भी होगा आपको दिखाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं नीचे रिक्शा स्टैंड चौराहा पंत स्क्वायर, और कुछ इस तरह का माहौल है आज 31 जुलाई को। और सामने पंत जी को आज सजाया गया है। तो कुछ देर पहले फंक्शन था यहाँ पे, मैं थोड़ा लेट हो गया। नैनीताल बैंक का स्थापना दिवस मनाया गया, कुछ रिलेट करते हैं गोविंद वल्लभ पंत जी उनसे। और हल्की हल्की धूप है और थोड़ा बहुत क्राउड भी है, ज़्यादा क्राउड नहीं है। और हम पहुंच चुके हैं पंत पार्क, और आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट है और हमारे ये भाई लोग खड़े हैं। हेलो, कैसे हैं आप लोग? ठीक है शाहिद, ठीक हैं आप? तो चलिए थोड़ा पंत पार्क में घूम के आते हैं। और अभी तक तो बारिश हुई नहीं है, 4 से 5 बजे के बीच में बारिश थी, उसके बाद क्लाउडी वेदर, और ये लेक के पास पहुंच गए हम। कुछ इस तरह का माहौल है बोटिंग का, थोड़ी बहुत बोटिंग हो रही है। अब हम आ चुके हैं बास्केटबॉल ग्राउंड, और ये कुछ बच्चे बास्केटबॉल की प्रैक्टिस करते हुए। बादल फिर से आना शुरू हो गए, हो सकता है कि दिन में बारिश हो। और कुछ इस तरह का बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं फुटबॉल की, फुटबॉल ग्राउंड में, और ये टेंट लगाया गया है। हो सकता है कि आज स्कूल के बच्चों का फाइनल हो, इसलिए टेंट लगाया गया। तो दोस्तों 1:45 बजे के आसपास का टाइम है और बारिश स्टार्ट हो चुकी है, और ये देखिए हम लोग तिरपाल के नीचे हैं और लोगों के अब रेनकोट और अम्ब्रेलाज निकलने शुरू हो गए। अब स्टार्ट हुए, देखते हैं कितनी देर तक बारिश होती है, कैसा होता है। ऑरेंज अलर्ट तो था ही आज, तो जैसा भी होता है बारिश कितनी देर होती है, कैसा बारिश का माहौल होता है, तेज़ होती है कम होती है, सब दिखाएंगे आपको। दोस्तों तेज़ बारिश होने लगी है और कुछ बारिश में इस तरह का माहौल है, और बारिश की वजह से रिक्शा स्टैंड पर काफ़ी भीड़ लग गई है। ये देखिए यहाँ से जूम करके दिखा रहा हूँ मैं, बारिश तो होनी थी, ऑरेंज अलर्ट था। वैसे आमतौर पे जब भी ये रेड अलर्ट या ऑरेंज अलर्ट होते हैं तो उतनी ज़्यादा बारिश होती नहीं है, स्कूलों की छुट्टी कर देते हैं उस दिन तो बारिश होती ही नहीं है। आज थोड़ी सी बारिश है, और हम आ चुके हैं लकीज़ कैफ़े के आगे, जो कल हमने आपको दिखाया था वीडियो में।
तो रिक्शा स्टैंड की तरफ चलते हैं। लोग बारिश से बचने के लिए रिक्शा स्टैंड में शरण लिए हुए हैं। बारिश हो रही है, ठीक ठाक हो रही है, बहुत तेज बारिश नहीं है, लेकिन थोड़ी हवा चल रही है, छाता उड़ रहा है। लोग वेंच हीटर्स और रेनकोट के साथ घूम रहे हैं, जिनके पास हैं, लेकिन बहुत से लोग बिना रेनकोट्स के घूम रहे हैं। अम्ब्रेला है और कोई बिना अम्ब्रेला के ही घूम रहा है। चलिए अब चलते हैं बोट स्टैंड की तरफ। और अचानक से बारिश में थोड़ी भीड़भाड़ सी हो गई है। और अब हम कल वाले ही रूट से जाएंगे और देखते हैं क्या कंडीशन है झील की किनारे से। और ये बोट हाउस क्लब जो मैंने आपको कल भी दिखाया था, और पहुंच गए हम बोट स्टैंड झील के किनारे। और जैसा कि बारिश में ढक दिया गया है बोट्स को, जो उसका सिटिंग एरिया है, और कुछ ऐसा भी है बारिश में, बहुत तेज बारिश नहीं है, रिमझिम रिमझिम बारिश है, अच्छी लग रही है। और ये बोटमैन है जो कि रेनकोट से खुद को कवर किया है। और बहुत क्राउड भी नहीं है, ऑफ सीजन का टाइम है, लेकिन व्यू बहुत खूबसूरत सा है। बरसात भी अपने आप में एक अलग ही मज़ा देती है, लेकिन जब लिमिट में हो, आउट ऑफ लिमिट तो बर्बादी लाती है। और फ्रेंड्स, एक अनोखी बात देखी मैंने अभी, जैसे जैसे बारिश हो रही है मछलियां लेक में बहुत जंप मार रही हैं। चलिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए मछली ने जंप मारा, ये देखिए जंप मारी है, मछलियां भी मस्ती कर रही हैं लेक में। ये ऐसा लग रहा है जैसे समुद्र में डॉल्फिन्स एंजॉय करती है ना, उस तरह से लेक में मछलियां भी बारिश के टाइम पर जो है जंप मार रही है। ये देखिए फिशेस, उनका जो है फिश का जो पूंछ का एरिया वो दिखाई दे रहा है, ये दिख रही है मछलियां, देखिए ये जंप मार रही है। ये एक अलग सी चीज़ मुझे देखने को मिली कि बारिश में मछलियां भी इंजॉय कर रही हैं। और बारिश तेज हो गई है, तेज बारिश शुरू हो गई है। ये देखिए मछली, ये जंप मारा मछली ने, ये देखिए मछलियां निकल निकल के जंप मार रही हैं। ये मैं एक अलग सी चीज़ देख रहा हूँ इस बार, जैसे जैसे बारिश हो रही है मछलियां जंप मार रही हैं पानी से निकल के। और एक बोट खुल गई है किसी बोटमैन की, और ये अकेले ही बारिश में तैरते हुए जा रही है। और बहुत तेज बारिश होने लगी है। और आज एक अद्भुत चीज़ मुझे देखने को मिली नैनी लेक में, जो शायद होती होगी पर मैंने नोटिस नहीं की, मछलियाँ जंप मार रही हैं पानी में, जैसे जैसे बारिश हो रही है मछलियाँ जंप मार रही है। देखिए आप नोटिस कीजिए इन चीज़ों को, कोशिश कीजिए देखने की कैमरे में, मछलियाँ जंप कर रही हैं। देखिए, और दोस्तों बहुत तेज बारिश होने लग गई, बारिश की स्पीड काफी तेज है, मेरे चारों तरफ आप देख सकते हैं बहुत तेज बारिश हो रही है।
ये देखिए मोटी मोटी बूंदे बारिश की पड़ रही हैं और बहुत ही तेज बारिश है। अगर आदमी छाता हटा ले तो दो मिनट तो बहुत ज़्यादा है, एक मिनट से भी कम में गीला हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं माल रोड की तरफ, दिखाते हैं आपको। और कुछ इस तरह से है माल रोड का माहौल। और वैसे आम तौर पे जब भी कोई रेड अलर्ट या इस तरह का होता है तो अमूमन बारिश नहीं होती है जिस दिन बच्चों की छुट्टी होती है, लेकिन आज ऑरेंज अलर्ट में ही तेज बारिश शुरू हो गई है और माल रोड कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है और बहुत तेज झमाझम बारिश हो रही है। देखिए सब जगह से पानी बह रहा है। और ये बारिश से बचने के लिए भागती हुई लड़कियां, अब तो ये भीग चुकी हैं, तो इस लड़की ने सोचा क्यों ना बारिश का पूरा आनंद ले लिया जाए। मजा ही आ गया, बहुत दिनों के बाद बारिश हुई है आज, झमाझम मस्त बारिश। क्योंकि वो जो 4-5 शुरुआत में जुलाई में जो 5 दिन की बारिश हुई थी, उसके बाद तो फिर बारिश ठीक से हुई नहीं। और आ गए हैं हम अब मेन जगह पर, रिक्शा स्टैंड चौराहा। और कुछ ऐसा है रिक्शा स्टैंड चौराहे का दृश्य, लोग जो है चौकी में छुपे हैं कुछ लोग खुद को बचाने के लिए। और ये दाजू है हमारे पुलिस के और ये मुस्तैदी से ड्यूटी कर रहे हैं बारिश में भी कि जाम ना लगे। और ये अपना भाई फिर से नीरज, बारिश होते ही इसने अपने छाते खोल लिए हैं। नीरज बारिश हो गई फिर तो आज छाते बिकेंगे। बस ठीक यार, हो गई बारिश, काफ़ी दिनों से ढंग की बारिश भी नहीं हुई थी ना। ये देखो बच्चे भागते हुए। और अब चलते हैं, बारिश का टाइम है, बरसात हो रही है, आते हैं कुछ खा के, लंच में कुछ तो खाया जाए। तो डिसाइड किया चल के चाइनीज़ रसोई में, चाइनीज़ रसोई ऐसी नाम है, चाइनीज़ किचन सॉरी, वहाँ चल के थुप्पा खाया जाए। बारिश में थुप्पा खाने का अपना ही अलग मज़ा है। कॉलेज स्कूल टाइम से ही हम जब भी बारिश होती थी मोमो या थुप्पा इस तरह का कुछ चाइनीज़ फूड खाते थे। तो चलिए बारिश हो ही रही है, कुछ खा ही लीजिए, खा ही लिया जाए। और जो है टाइम भी लंच का हो गया है, बारिश तेज है। और अब हम पहुंचने ही वाले हैं गाड़ी पड़ाव, गाड़ी पड़ाव में ही है चाइनीज़ किचन और वहाँ चाउमीन मोमो थुप्पा इस तरह का टिबेटन फूड और कुछ इंडियन फास्ट फूड भी मिलते हैं। और जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये आर्य समाज मंदिर है और इसके जस्ट बगल में एक पार्क है छोटा सा। और लेफ्ट साइड में पार्किंग है, अशोक पार्किंग। किसी ज़माने में यहाँ सिनेमा हॉल हुआ करता था, हमने बहुत सारी मूवीज़ देखी इसमें। और 90s का दौर था, 90s से 2000 के आसपास का, जो हमने बहुत सारी मूवीज़ देखी। अब इससे तोड़ के पार्किंग बना दिया गया है, सामने मस्जिद दिखाई दे रही है। और अब हम पहुँच चुके हैं चाइनीज़ किचन, यह है चाइनीज़ किचन। और अब यहाँ पर हम मोमो खाएंगे, सॉरी थुप्पा। तो कुछ इस तरह से हमारा थुप्पा तैयार हो रहा है, नॉन वेज थुप्पा ड्राई। तो भाई लोगों हमारा थुप्पा बनके रेडी हो गया है, कुछ इस तरह से इसका लुक है। और थुप्पे के बाद ये सूप भी देते हैं अगर आप चाहें तो, सूप इसी के साथ होता है, उसका कोई अलग से पैसा नहीं होता, चार्ज नहीं होता।
तो कुछ इस तरह से सूप मिलता है थुप्पे के साथ। किस चीज़ का बना है? वेज है ना? तो भैया थुप्पा खाने के बाद हम चल दिए वापस अपने स्थान पर, पंथ स्क्वायर। थुप्पा बढ़िया था, अच्छा था। यहाँ पर आप ट्राई कर सकते हो तिब्बतन फूड या चाइनीज़ फूड जिसे कहते हैं। तो अगर आप यहाँ आएँ तो आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। थोड़ा बैठने का इश्यू है यहाँ पर, आपको खड़े होकर खाना पड़ता है। बाकी तो टेस्ट तो अच्छा है, बस थोड़ा बैठने की दिक्कत है। तो आप खड़े होकर अगर खाना चाहें, स्ट्रीट फूड का मज़ा लेना चाहें, तो आप यहाँ पर आ जाइए, आपको चाइनीज़ तिब्बतन फूड मिलेगा। ये बच्चे देखिए बारिश में एंजॉय करते हुए फील्ड में, कपड़े उतार दिए छोटू ने, और ये कीचड़ में खेलते बच्चे, पानी भर चुका है। ये उम्र होती है मस्ती करने की। अब बच्चों ने देख लिया मैं इनका वीडियो शूट कर रहा हूँ, वो छुपने लगा बच्चा। फ्रेंड्स, मैं गाड़ी में आके बैठ चुका हूँ। बहुत तेज बारिश है, बहुत ही तेज बारिश है। चारों तरफ से नाले और रोड पर पानी बह रहा है कंटिन्यूसली, और आज जो है वाकई में बारिश हुई है और बहुत ही तेज बारिश हुई है। दोस्तों, शाम के 5:10 के आसपास का टाइम है, और दिन में जो बारिश शुरू हुई थी 2 बजे के आसपास, वो कंटिन्यूसली हो रही है और बहुत तेज बारिश है। और ये नदी नाले चल पड़े, देखिए मेरे पीछे आप, पानी बह रहा है। बारिश की वजह से मैं आज पैदल जा रहा हूँ, क्योंकि बाइक में भीग जाऊँगा, और मुझे नहीं लगता है कि ये बारिश रुकने वाली है कल तक, क्योंकि अभी वेदर डिपार्टमेंट का अलर्ट आया था मोबाइल पर कि अभी 24 घंटे बारिश होगी। नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर और बहुत सारे प्लेसेस के नाम बताए थे। तो मैं पैदल पैदल छाते के साथ घर जा रहा हूँ, घर के लिए चढ़ाई चढ़नी पड़ती है मेरे। और पैदल पैदल घर जाना पड़ रहा है आज, आदत छूट जाती है ना रोज़ रोज़ बाइक से जाकर, तो आज लेकिन अच्छा लग रहा है। कभी कभी पैदल भी घूमना चाहिए, और अगर आप मौके नहीं लेते हो ना तो ज़िंदगी खुद ही मौके दे देती है। चलते चलते हम पहुंच चुके हैं रमा कॉटेज, और इसके बगल में देखिए नाला कितनी तेजी से बह रहा है, बहुत तेज आवाज आ रही है इसकी। मुझे लगता है कहीं छोटा मोटा लैंडस्लाइड हुआ है, इसलिए मटमैला पानी है इसमें, अदरवाइज पानी जो है बारिश में यहाँ बहुत क्लीन आता है। ये देखिए फ्रेंड्स, और हम पहुंच चुके हैं घर भीगते भागते, और मैं काफी भीग गया था, और फुल मजा लिया आज बारिश का, और आपको भी दिखाया किस तरह का नैनीताल में आज बारिश हुई, कैसा वेदर कंडीशन था, कैसा टूरिज्म था। और उम्मीद करता हूं आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं कल सुबह नए ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर। आप लोग अपना और अपने परिवार का बहुत 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 ख्याल रखिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा। गुड नाइट।